कृषि उपज मंडी समिति बिलासपुर में चौकीदार का मोबाइल चोरी होने का मामला सामने आया है और चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए एक व्यक्ति का वीडियो भी सामने आया है जो कि चोरी वाली घटना के समय कार्यालय की तरफ जाता हुआ नजर आया है। ये वीडियो क्षेत्र में वायरल हो रहा है। कृषि उपज मंडी समिति बिलासपुर में चौकीदार का मोबाइल चोरी होने का मामला सामने आया है और चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए एक व्यक्ति का वीडियो सामने आया है जो कि क्षेत्र में वायरल हो रहा है। इस वीडियो में चोरी करने वाली घटना के समय कार्यालय की तरफ जाता हुआ एक व्यक्ति नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी है और जो भी चोरी की वारदातें यहाँ पर हो रही है उसमें जो व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है उसका हाथ लगता है और पुलिस से गुजारिश की है कि इस व्यक्ति को पकड़ा जाए ताकि चोरी की घटनाओं पर अंकुश लग सके। आए हुए हैं अपनी सेफ्टी के लिए कैमरे लगवाए हुए हैं। आज इधर से 13,000 रुपये का मोबाइल नीचे रूम से चोरी हुआ है, ठीक है, और हमने पुलिस चौकी में भी कंप्लेंट दे दी है। अब इसके ऊपर पुलिस जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए और भी चोरियाँ शहर में हो सकती हैं। कहते हैं कि इसके जो आज चोरी हुई है कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई की जाए कि कल को किसी और के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। चौकीदार ने बताया कि उसका मोबाइल 13,000 का था और जैसे वह टंकियों में पानी देखने के लिए ऊपर गया उस समय उसका मोबाइल चोरी हो गया और उसी दौरान एक व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे में ऑफिस की तरफ आता दिखाई दे रहा है। पुलिस ने मांग की है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार करके मामले की छानबीन की जाए। मैं चार्जिंग के लिए मोबाइल लगाया, फिर उसके बाद मैं पानी की टंकियों पर चेक करने चला गया। बाद में जब मैं आया तो मेरा मोबाइल वहाँ से गुम पाया गया। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।